चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का यह कहना है कि आप सबको 26वीं आईनी तरमीम मुबारक हो। पार्लियामेंट हाउस आमद के मौके पर उनकी जानिब से कहा गया कि हम सबका एक ड्राफ्ट है, वापसी पर आपसे तफसीली बात करूंगा। ये कहा गया बिलावल भुट्टो की जानिब से, उनकी जानिब से मुबारकबाद दे दी गई, कहा कि हम सबका एक ड्राफ्ट है, वापसी पर बात करूंगा। पार्लियामेंट हाउस आमद के मौके पर उनकी जानिब से कहा गया कि हम सबका एक ड्राफ्ट है, वापसी पर आपसे तफसीली तौर पर इस हवाले से बात करूंगा। आप सबको 26वीं आईनी तरमीम मुबारक हो। बिलावल भुट्टो की जानिब से ये पैगाम दिया गया है और उनकी जानिब से ये मुख्तसर सी गुफ्तगू की गई। उनकी जानिब से कहा गया कि इसके ऊपर तफसीली बातचीत बाद में आपसे करूंगा। आप सबको 26वीं आईनी तरमीम मुबारक हो। बिलावल भुट्टो की जानिब से ये कहा गया है, सबका हम सबका एक ड्राफ्ट है, वापसी पर आपसे तफसीली गुफ्तगू करूंगा। ये कहा गया बिलावल भुट्टो की जानिब से और उनकी जानिब से कहा गया कि आप सबको 26वीं आईनी तरमीम मुबारक हो। बिलावल भुट्टो ने क्या कहा आपको सुनाते हैं। बिलावल भुट्टो की जानिब से गुफ्तगू की गई और उनकी जानिब से क्या बात की गई वो भी आपको सुनाएंगे। उनकी जानिब से ये कहा गया कि 2 माह से मौलाना पीटीआई से बातचीत कर रहे हैं, मैंने और मौलाना ने बहुत कोशिश की कि पीटीआई को सियासी जमात के तौर पर इंगेज करें। हर किसी को ये हक है कि वो अपने अपने राय रखे, इसका ये नहीं मतलब कि आप एक दूसरे के दुश्मन है, इसका ये नहीं मतलब कि ये कोई दुश्मनी है। हर किसी का हक है के इख्तलाफ राय हो, मैं चाहे वो मतियुल जान साहब आप हो या जो भी हो, मेरा कोशिश होगा कि जाती हमलों के बजाय, जाती किरदार कशी के बजाय मैं उनका दिमाग, उनका जेन, अपना दलायल से, अपना आर्ग्यूमेंट से कायल करने की कोशिश करूंगा। नहीं किया तो हमें इतना आजाद मुआशरा होना चाहिए कि उनकी मर्जी मेरी मर्जी, वो अपना आप मौका दे मंत्री लचान साहब को कि वो अपना जो सवाल करना है।